सो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर पीच मिठाई किस तरीके से बनाया जाता है सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, वो भी लाइव के अंदर आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पीच मिठाई बनाने के लिए क्या आइटम से इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोग को पता नहीं होगा कि पीच मिठाई जो है वो जो बेसन और मैदा पीट का जो आटा मिला के जो और उसके अंदर शुगर मिला के तीन मिक्स करके बनाते करके काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन सच बात ये है कि जो ये पीच मिठाई है, ये जो पीच मिठाई है सिर्फ अपना जो शुगर रहता है उस शुगर को और उसके साथ जो अपन जो खाने में यूज़ करने वाला जो कलर रहेगा वो दोनों में मिक्स करके जो इसके अंदर जो डाल दे। लेकिन ये जो पीच मिठाई ये बनाने का जो मशीन है काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का जो मशीन है। अभी तक आप कई वीडियो पे इस तरीके से पीच मिठाई बनाने का वीडियो लाइव में नहीं देखा होगा। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए किस तरीके से जो इसको मेकिंग करते और किस तरीके से पैकिंग करके अपने आँखों के सामने जो कस्टमर को लाइव में सेल करते। ये जो वीडियो मैंने नज़र आने से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप और फेसबुक के ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे होंगे लाइव के अंदर सिंपल मशीन ऑन करने के बाद जो उसके अंदर से जो शुगर को है इस तरीके से जो बना के जो बाहर फेंक रहा और वो जो आदमी ने एक लकड़ी से इसको राउंड राउंड घुमा के जो है इस तरीके से पीच मिठाई का जो डिज़ाइन जो कर रहा है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। काफ़ी सारे लोग मेरे YouTube चैनल पे जो वीडियो है उसी को बिना सब्सक्राइब करके देख रहे। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिलेटिव फैक्ट और जो इलेक्ट्रिकल बाइक रिव्यू उसी तरीके से पार्ट टाइम और फुल टाइम बिजनेस करने के आइडियाज़ मेरे YouTube चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से जो सिंपल से पीच मिठाई को बना के जो पैक कर रहा जो ये बंदे आप देख सकते हैं वीडियो में, और वो जो पीच मिठाई है उसी को जो सेल करता है पार्किंग में या फिर बड़े बड़े मॉल के पास जो है 30 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ के अंदर जो पीच मिठाई बना के जो बेच रहे। अगर इनमें से अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे तो भाई लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको इस तरीके से का बिजनेस करके अगर पैसे कमाने का सोच रहे तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपको पूरी जानकारी और पूरी डिटेल जो है मैंने आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपके मन में ज़रूर सवाल आता होगा ये जो मशीन है कहाँ से खरीदना, कैसा खरीदना और किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, और जो है इसका बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो आपको प्रॉफिट कितना रहने वाला है सब कुछ मैंने आपको पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, ताकि अगर आप इस तरीके से बिजनेस करके जो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते। काफ़ी सिंपल है, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर इस मशीन का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। आप बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20,000 से लेके 25,000 का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इस मशीन का कॉस्ट रहने वाली है आपको मात्र 15,000 के अंदर ही मिल जाएगा। वो तो कहाँ से खरीदना, किस तरीके से करना सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप एक बार इस वीडियो को देखें। मगर दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के अंदर शेयर करें ताकि सभी लोग देख सके पीच मिठाई किस तरीके से बनाते और किस तरीके से मेकिंग करने के बाद जो उसको पैकिंग करके जो पब्लिक प्लेसेस में बेचा जाता है उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से खाली सिंपल उसी के अंदर जो होल के अंदर जो शुगर है शुगर के साथ जो है उसके अंदर जो आप फूड कलर रहता उसी को खाने का कलर है दोनों को मिक्स करके इसके अंदर इंक्लूडिंग करेंगे नीचे से जो है इसको मोटर है। ओके दोस्तों।